सो हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज। मैं हूँ लता शर्मा और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स ये शो। इस शो में हम बात करते हैं इन सेक्टर्स के बारे में जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। अभी तक हमने कई सारे लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं और आज हम लेने वाले हैं होटल के ओनर्स का इंटरव्यू। जी हाँ, होटल जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखती है, बिकॉज जब भी हमें एक छुट्टी चाहिए रहती है या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना रहता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना रहता है, तब हम होटल में जाते हैं और अपनी फेवरेट डिशेस खाते हैं। लेकिन लगभग 2 महीनों से ये होटल्स बंद हैं और इन होटल्स के जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ पे सिर्फ सुनसान अभी हो चुके हैं वो सारे एरियाज। इसी वजह से सांगली के कुछ जाने माने होटल के ओनर्स, उनसे आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आज है मेरे साथ गोविंद आर्य, रिपीट, तो आज है मेरे साथ गोविंद आचार्य जी उर्फ अन्ना आचार्य, जो है ओनर ऑफ होटल वृंदावन, होटल अक्षय एंड न्यू गजानन रेस्टोरेंट इन मीरज। गोविंद जी का कर्नाटका के हुबली में एक रेस्टोरेंट रह चुका है और वो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं होटल एसोसिएशन मीरज के। तो आज है हमारे साथ गोविंद जी। सो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और जैसे कि COVID-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है हमारे सांगली शहर में भी, इसी वजह से हम वीडियो कॉल के थ्रू इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं। सो वेरी वेलकम टू यू। सो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप मुझे बताइए, इस होटल्स के बिजनेस में और इस ओनरशिप के बिजनेस में आप कितने सालों से हैं? हाँ नमस्ते जी, मैं तकरीबन 50 साल से बिजनेस में हूँ। मेरे फोर फादर्स भी थे, मैं भी हूँ और मेरे भाई के लड़के भी हैं। तो सर, आज जैसे कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और हमारे देश में 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके इतने 50 साल के करियर में आपने कभी भी सोचा होगा या फिर कभी भी एक्सपेक्ट किया होगा कि इतना बड़ा ब्रेक आपके इस होटल के बिजनेस में पड़ सकता है? नहीं नहीं, अभी कैसा है, 1972 में दुष्काळ पडला होता, त्यानंतर मग कोयना भूकंप वगैरे असे मोठे संदर्भ आले होते। परंतु असा या करोना पद्धतीचा किंवा ही अभूतपूर्व परिस्थिती अशी कधी निर्माण झाली नव्हती आणि आमच्या वडिलांच्या काळामध्ये सुद्धा अशी कधी परिस्थिती, म्हणजे 90 वर्षाच्या काळात अशी कधी झाली नव्हती। अच्छा, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि 90 सालों से इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई थी आपके होटल के बिजनेस में। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन 2 महीनों में आपने क्या फेस किया है, आपके होटल्स के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं? नहीं, अभी क्या है कि होटल बिजनेस टोटली बंद करना पड़ा हमारे को। फिलहाल तो हमने अभी पार्सल सिस्टम चालू किया है जी, वो गवर्नमेंट ने उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक, और अभी लेकिन उसको इतना रिस्पांस नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पार्सल सिस्टम जैसे कि जोमेटो ऑनलाइन जो है फूड स्टोर्स, वहाँ पे आप कर रहे हैं कि कहाँ पे? नहीं, हम खुद हमारा सिस्टम चालू किया है हमने। ओके, हमारे ओके। लोगों को डिलीवरी देते हैं उधर जाके। जी जी, लेकिन उसको फुल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब लोग उधर आके बैठ के जो उनको जो मजा आता है या उधर देख के ऑर्डर देने में जो ये बिजनेस का ये जो सक्सेस है, वो घर में बैठ के उनको इतना ये होता नहीं। जी राइट। लेकिन इसी आपने जैसे कि कहा है कि आपने पर्सनल डिलीवरी अपने होटल की तरफ से आपने ये डिलीवरी शुरू किया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी देश में और हमारे सांगली में जोमेटो भी काफ़ी फेमस है, जिससे लोग ऑर्डर कर रहे हैं और काफ़ी होटल्स भी उससे एडेड हैं, तो आपने उसके बारे में सोचा है कभी? अभी हमने उनके पास हमारा प्रपोजल दिया है, लेकिन अभी वो GST का सब थोड़ा इश्यूज चल रहा है, वो कॉम्पोजिट स्कीम पर वो डिलीवरी लेते नहीं है। Okay. बहुत एक अभी ये जो होटल्स है वो सब कॉम्पोजिट स्कीम पर काम कर रहे हैं जी, तो थोड़ा उनको अभी पहले वो किसी के पास से भी एक अभी क्या हो गया, जोमेटो का भी डिमांड बढ़ गया है अचानक। हाँ तो जी, उन्होंने हाँ भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं, इसके वजह से वो कुछ लोगों का लेते हैं कुछ लोगों का लेते नहीं। इसके लिए हमने खुद का हमारा सिस्टम चालू कर दिया है। जी सर। हाँ, तो अभी अगर बात करें आपके होटल्स की, तो आपके इस होटल्स में क्या लगता है आपको कितने स्टाफ होंगे टोटल नंबर? अभी हमारे होटल में तो ये 2 होटल्स है उसमें तकरीबन 60 लोग है, और उनका अभी
उसमें से फिलहाल तो इतना लोगों की तो जरूरत नहीं रहती है हमारे को काम के लिए। जी फिलहाल 10-20 लोगों से हम काम चला रहे हैं, और कुछ लोग गांव गए हैं अभी, वो कुछ लोग अभी कभी आएंगे पता नहीं। बहुत ही अनसर्टिनिटी में हम सब बिजनेस कर रहे हैं। ओके जब तक ये अभी कोरोना अभी इसको लेके ही हमारे को बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टोटली इरेडिकेट तो नहीं हो जाने वाला अभी। राइट राइट अभी ये जब तक ये वैक्सीन वगैरह नहीं निकलता है तब तक जी ऐसा बिजनेस तो ये ऐसा सिस्टम हमें नया कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, नया कुछ सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये करके अभी इसको बिजनेस कैसा आगे बढ़ाए, ये सब सोचने की बात है जो हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। और सर अगर बात की जाए आपके स्टाफ की, जो आपने कहा कि सिर्फ 10 से 20 स्टाफ अभी एक्टिव हैं आपके होटल के इस बिजनेस में, तो बाकी के जो स्टाफ हैं चाहे वो अपने गांव गए हो या फिर चाहे वो यहाँ पे हो, अगर वो कुछ मुसीबत में है तो आप उनका ख्याल यहाँ पे रख रहे हैं कि नहीं? हम रख रहे हैं ना उनका भी मुसीबत में, जी उनकी सब जरूरतें हम पूरे कर रहे हैं। ओके क्योंकि हमने ये हमारा ये सोशल डिस्टेंसिंग जैसा है वैसा ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनती है। अच्छा उसके मुताबिक राइट। लेकिन ये बस बात यही है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा ये पता नहीं है। ओके राइट राइट। तो हमारे ऊपर अभी ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा हल्का करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार ने या गवर्नमेंट ने भी कुछ हमें कंसेशन देने चाहिए, ऐसे हमारी हमारी धारणा है। जी और आपका जो होटल एसोसिएशन है उसमें से आपको फिलहाल क्या गाइडलाइंस मिली हैं? फिलहाल हम तो सांगली डिस्ट्रिक्ट के लोगों से हम गाइडलाइंस ऐसा कुछ नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग रख के बिजनेस कीजिए। राइट। और हमारे बहुत सारे मांग है, हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब, फिर मुख्यमंत्री सबको भेजी है, हमारे जरूरतें है। अभी क्या है फिलहाल परसों ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने 20 लाख करोड़ के टूरिज्म और इसके लिए भी हम उसमें कुछ भाग रहना चाहिए ऐसा हमारा बोलना है। जी और क्योंकि ये बिजनेस वाला तो हमारे पास वर्कर्स है, टैक्सेशन सिस्टम है, बाकी GST है, बाकी लाइट बिल्स है, इतने सारे ये है, तो फिर वो विदाउट कंसेशन इसको आगे चलाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल की घड़ी है। हाँ। तो उसने हमारे को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, हर एक का सपोर्ट चाहिए, तो ही हम यानी हर एक बिजनेस का ये प्रॉब्लम है, लेकिन हर एक का उनका उनका डिमांड्स रहता है, तो इसलिए आज तक हमने कभी सरकार से कुछ मांगा नहीं है, तो हमें भी कुछ रिबेट्स मिलने चाहिए, सब्सिडी मिलने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और सर अगर देखा जाए अभी आज की सिचुएशन तो हम सबको पता ही है, लेकिन अगर फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो रहा है तो आपका पर्सनली क्या प्लान है, आप कैसे अपने होटल के इस लॉस को रिकवर करेंगे? अभी ये जो वायरस है अभी उसको वैक्सीन जब तक नहीं आता है तब तक बिजनेस तो चालू रखना पड़ेगा इनडेफिनेट, तो क्योंकि समझो वैक्सीन अभी एक साल तक नहीं आया है, तो एक साल तक तो बिजनेस नहीं बंद कर सकते। तो उसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट है तो सैनिटाइजर यूज करके, फिर मास्क यूज करके, ग्लोव्स यूज करके, एक टेबल पर एक या दो ही लोगों को बिठा के उधर सर्विस करके, ऐसा कुछ ना कुछ उसका। अभी कल ही मैंने देखा फ्रांस यूरोप में सब वो रेस्टोरेंट्स ये तरीके से वो चालू कर रहे हैं। तो वो सिस्टम से कुछ नया तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो बहुत चार चार लोग, आठ आठ लोग बैठ के टोटल फैमिली गेट टुगेदर किया करते थे, वो शायद इस घड़ी में ऐसा वो इम्पॉसिबल लग रहा है। राइट राइट। लेकिन बिजनेस को अगर जिंदा रखना है तो फिर कुछ ना कुछ थोड़ा 50% तो बिजनेस चाहिए जिसके लिए हम कंटिन्यू कर सकेंगे। जी जी। ये हमारा वर्कर्स लोगों का खर्चा, बाकी लाइट का खर्चा, पानी का खर्चा, टैक्सेशन, बाकी बहुत सारे टैक्सेशन है।
तो आजकल खाली लोगों को क्वालिटी और या ये देखिए फायदा नहीं है, बाकी सब लोग बाकी सब ये बहुत सारे बिजनेस के एस्पेक्ट्स है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। जी जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, टैक्सेशन, बाकी सब रखना पड़ता है उसका सब। तो ये सब ध्यान में रख के कुछ नया नया सुधारना तो करना ही पड़ेगा हमारे को। जी, आपके होटल्स का जो डिलीवरी है, आपने जैसे कि कहा कि आपने पर्सनल डिलीवरी शुरू किया है आपके होटल के नाम से ही, तो वो आपने कब से शुरू किया है? ये अभी 3 वीक्स से चालू है हमारे पास से। 3 वीक्स से चालू है, तो सर जी इन 3 वीक्स में आपको अभी तक प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, आपको रिस्पॉन्स क्या आ रहा है लोगों का? बड़ा प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस तो नहीं है। हमारे जो जो उधर काम के लिए जो वर्कर्स है उनका सैलरी निकल रहा है। अभी लाइट का अभी एवरेज से बिल निकाल रहे हो गए महीने में, लाइट का एक्चुअली यूज नहीं कर रहे हैं हम इतना, फिर भी एवरेजिंग से वो बिल ज़्यादा आता है, तो हमारी मांग है कि वो लाइट का बिल भी कम होना चाहिए, एक्चुअल मीटरिंग पर हमारा बिलिंग होना चाहिए। हमारे ऑन द स्पॉट आके वो लोगों ने मीटर रीडिंग करके उसके मुताबिक बिलिंग होना चाहिए, क्योंकि एवरेजिंग तब, क्योंकि जब बिजनेस चालू था तब तो बिल बहुत आता था, वो हिसाब से बिल उन्होंने भेज दिया तो फिर बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाँ जी, और अगर बात की जाए आपके वर्कर्स की जो भी फिलहाल होटल में काम कर रहे हैं, चाहे वो कुक हो या फिर जो भी स्टाफ हो, उनके लिए अभी सेफ्टी मेजर्स अभी क्या रख रहे हैं आप? अभी तो हमने सेफ्टी यानी कि उनको हमने मास्क तो दिए है, मास्क दिए है, और उनका हेल्थ चेकअप तो हमारा, हम उनको फिजिकली फिट रखने के लिए हमेशा कटिबद्ध है। राइट, और फिर उनको बाकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो बोलेंगे तो हम इमीडिएट उसके ऊपर ध्यान देते हैं। राइट जी सर, और बाकी उनको हैंड सैनिटाइजर वो इधर अंदर जब वो ड्यूटी पर लगते हैं सैनिटेशन का ये करके ज़्यादा से ज़्यादा हैंड टचिंग, डायरेक्ट टचिंग कम करके डिलीवरी अवॉइड कर रहे हैं आप? ऐसा कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने सुझाव दिए तो उसका भी हम अमल करने के लिए तैयार है, लोग हमें सुझाव दे और हम उसके लिए हमारा पॉजिटिव सोच रख के, अगर हमारे कुछ गलतियां है तो उसमें हम जरूर उसको सुधारना करेंगे, उसको भी कुछ प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप, अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है इस मोमेंट में तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, चेंजेस लाएंगे, करना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही इसमें ही भला है। जी जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर मैं पूछूंगी, वो ये है कि अभी सांगली के पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी फिलहाल तो इतने सारे ऑफिसर्स लोग हैं, रेवेन्यू के ऑफिसर्स है, कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस के लोग है, पुलिस के ऑफिसर है, सब बहुत दिन रात काम कर रहे हैं लोगों के लिए और कोरोना का कंट्रोल में लाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, वो लोगों के लिए मेरे हमेशा उनके लिए मेरा पाठिंबा रहेगा, मेरा उनका सपोर्ट रहेगा। और पब्लिक के लिए तो हमारा ये है कि स्वस्थ रहा आणि सुखी रहा, ये मेरा पब्लिक के लिए मैसेज रहेगा। जी सर, थैंक यू सो मच। सो अभी थे हमारे साथ गोविंद आचार्य जी, जो हैं ओनर ऑफ होटल वृंदावन, होटल अक्षय और कई सारे होटल्स के मालिक हैं ये, और जिन्होंने अपने सांगली से जिम्मेदारी उठाई है जिसमें वो लोगों के घर पे अपने ही नाम से, ना ही कोई ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी पोर्टल्स हैं उनके उनके साथ नहीं बल्कि अपने नाम पर ही वो जाके डिलीवरी कर रहे हैं, पर्सनल डिलीवरी कर रहे हैं। हमने उनकी कुछ मांग भी सुनी जो वो कुछ गवर्नमेंट से मांग रहे हैं और कुछ उम्मीदें कर रहे हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है, ये जो इंटरव्यू है, कई सारे लोगों तक पहुंचे और जो होटल ओनर्स हैं उनकी क्या तकलीफ है आज के डेट में इस कोरोना वायरस के चलते, इस लॉकडाउन के चलते, वो उन तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। और अभी हम बढ़ेंगे दूसरे इंटरव्यू के तरफ, जिनका नाम है प्रशांत शेट्टी, जो है ओनर ऑफ होटल रुचिरा। जी हाँ, उनसे भी हम एक्सक्लूसिव बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड।
सो वेलकम बैक टू कोरोना अफेक्ट्स। इस शो में हम जैसे कि बात कर रहे थे होटल ओनर्स के साथ, अभी थे मेरे साथ मिस्टर गोविंद आचार्य जी, जो रह चुके हैं होटल वृंदावन, होटल अक्षय और कई सारे होटल के मालिक। उन्होंने लॉकडाउन में क्या एक्सपीरियंस किया, इसकी सारी जानकारी उन्होंने हम तक पहुंचाई। और अभी हैं मेरे साथ मिस्टर प्रशांत शेट्टी जी, जो है होटल रुचिरा डिलक्स और लॉजिंग एंड बार इस रेस्टोरेंट के मालिक। इनका जो एक्सपीरियंस है 50 साल का एक्सपीरियंस है और इनकी जो होटल है 1970 से हमारे सांगली में रह चुकी है। जी हाँ, यानी कि 50 ईयर्स ये यहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे हैं होटल का। लेकिन अभी पहली बार हुआ है कि इतने सालों में पहली बार इनका 2 महीने के लिए होटल बंद रहा होगा, इसी बारे में हम इनसे बात करने वाले हैं। सो प्रशांत जी, अ वेरी वेलकम टू यू ऑन इन आवर शो एंड आई होप आप जो हमें इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो वेलकम जी सर। सो सर, जैसे कि मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में यही कहा कि इतने सालों में पहली बार आपका जो होटल है वो बंद रहा होगा 2 महीनों के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, ये अभी फर्स्ट टाइम नहीं है ना, वी आर हम लोग अभी ये थर्ड टाइम फेस कर रहे हैं। थर्ड टाइम, तो उसका पहले के 2 टाइम क्या रह चुका है सर जी? तो हम लोग ने 17 में ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया परमिट रूम एंड बार के बारे में 500 मीटर का, उसमें हम लोग फंस गए सिटी के अंदर, क्योंकि जो जितने भी सिटी के रोड्स थे वो सब हाईवे समझ के सब होटल्स बंद हो गए। और आज खुलेगा कल खुलेगा ऐसा करते करते लगभग 6 महीना होगा, 5.5 महीना होटल बंद थे। 1 अप्रैल से लगभग अगस्त सितंबर में ये होटल तब तब भी हमारा यही सिचुएशन था। और ऐसे ही हम लोगों ने 15 दिन करते करते हम लोग हमारे होटल कब खुलेगा सोचते 5 महीने हमारे पास 5.5 महीने तभी हमारे गए। और उसके बाद सब पूरा इंडिया में ये होटल्स खुले वापस, और तभी भी हमको यही प्रॉब्लम थे कि हमारा लेबर बैठ के होटल में बैठ के था। उसके बाद हमारा जो मेंटेनेंस थे होटल के सब चालू थे, हमारे जो EMI थे वो सब चालू थे, वो हिसाब से हमारा और हमको जो लाइसेंस भी भरनी थी वो हमने 31 मार्च को ऑलरेडी भर चुके थे। और एक अप्रैल से हमारा लॉकडाउन हो गया, तभी भी सेम सिचुएशन। और ऐसे ही हम लोग तभी भी ऐसे तो करके सर्वाइव होके 1 साल में थोड़े ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगस्त में वापस सांगली वॉज फेसिंग ये बाढ़ की परिस्थिति आ गई। बाढ़ की परिस्थिति में हम लोगों ने कम से कम तभी भी 20-25 दिन होटल बंद थे। वापस रूटीन चालू करने के लिए हमको और 10 दिन लगे। उसके बाद सब कभी भी हमको यही प्रॉब्लम थी। और दिस इज द और अभी ये सेकंड थर्ड टाइम और ये इस साल में ये दूसरी बार है। हाँ, तो वो हिसाब से अभी ये हमारा थर्ड टाइम है और हमको यही प्रॉब्लम बार बार हो रही है। और ये भी अभी इस टाइम में भी हमें ये लेबर का हो या होटल का हो, मेंटेनेंस का हो, EMI का हो, सर्वाइव का हो, ये सब प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। और अभी 20 तारीख को हमारा लगभग 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा घर पे बैठे बैठे। और इसके बीच में भी हम लोग अभी हमारे होटल में जो फंसे हुए स्टाफ है वो लोग को 2 टाइम खाना पीना सब चालू है, उनको हम लोगों ने होटल से बाहर ना निकल उधर ही बिठा के हम लोग अभी उनको खिला पिला रहे। और जो लोग गांव गए हैं उनका हर 4-8 दिन में फ़ोन आ रहा है पैसे के लिए, तो उनको हम लोग गूगल पे या कुछ तो करके एडजस्ट कर रहे हैं अभी। तो ऐसे ही हम लोग अभी 2 महीने से चला रहे, तो पता नहीं अब ये कब तक चलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, अभी लाइसेंस भी तो हमसे भरवा लिया गवर्नमेंट ने 4,70,000 समथिंग, अभी हम लोगों ने ये बंद में भी हमको भरने को बोले तो हम लोगों ने भर दिया। तो हम लोग अभी कब चालू होगा इसके राह में बैठे हैं जी। लेकिन सर, अभी जैसे कि आपने कहा कि आपका थर्ड टाइम है, आप मुझे बताइए कि इस थर्ड टाइम में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? और ये जो COVID-19 का लॉकडाउन चल रहा है, ये पेंडेमिक जो पूरे दुनिया में फैल गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज पहले के दो जो सिचुएशंस थे जहाँ पे आपका जो होटल बंद हुआ था और आज का जो सिचुएशन है, उसमें आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? मैडम, पहले के 2 टाइम था उसमें सब लोग ने फेस करे थे, उसमें सिर्फ अभी जो फर्स्ट टाइम हुआ था अभी ओनली होटेलियर्स वर फेसिंग दिस, ओनली बार वाले ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जी। तो इसके लिए किसी पब्लिक को या किसी को हमारा ये जो तकलीफ था वो इतना किसी को समझ में नहीं आ रहा था।
और सेकंड टाइम जब बाढ़ में लगभग हमारे एरिया में जितने भी सब एरिया थे सब लोगों ने वो सब फील किया है। अभी थर्ड टाइम प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग को सेम प्रॉब्लम है, वेदर इट्स ए फिल्म इंडस्ट्री, वेदर इट्स ए छोटा बिजनेसमैन हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या होटल वाले हो या कोई भी हो, अभी जो जरूरतमंद चीजें छोड़ के बाकी तो सब बंद है। तो सब लोग को या मजदूर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, सबको अभी यही सेम प्रॉब्लम है, सब अफेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, अभी प्रॉब्लम सबको एक है, इसके लिए सब लोग को उसका दर्द इक्वली महसूस हो रहा है। लास्ट टाइम एवरीवन वाज नॉट अफेक्टेड, तो लास्ट टाइम हम लोग अफेक्टेड थे जी। तो इसी वजह से ये जो शो है हमारा जिसका नाम है कोरोना अफेक्ट्स, और इस अफेक्ट्स में हम जितने भी सेक्टर हैं जैसे कि आपने बोला डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिल्डर हो, जो भी हो, उन सब का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं में से आपका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं यही जानने के लिए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सर जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिस्टर गोविंद आचार्य जी से बात किया था, जो कह रहे थे कि वो उन्होंने हाँ जी उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ मांग की है, तो सर आपने क्या मांग की है, आपने पर्सनली गवर्नमेंट से क्या? हम लोगों ने अभी हमारे रीजनल पॉलिटिशियन हो, ऑफिसर हो, कलेक्टर से लेके मिनिस्टर से सीएम से लेके हम लोगों ने सब लोगों ने लास्ट टाइम भी दो बार भी हम लोग मांग किए थी, अभी भी हम लोगों ने यही मांग की है कि हमको हमारे ये जो टैक्सेस है, हमारे लाइसेंस फीस है, हमारे जो अभी जो लॉसेस है उसमें कुछ तो हमको, या ईएमआई हो या कुछ भी हो, हमारे जो अभी लॉसेस है उसमें कुछ तो हमको रियायत मिले, लेकिन अभी तक कौन सा भी पैकेज होटल इंडस्ट्री को नहीं मिला है, नहीं मिला है जी। ओके एंड सर, अभी आपका होटल अभी शुरू है फिलहाल कि नहीं? लॉकडाउन है मैडम, अभी हमको होटल्स या जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट को गवर्नमेंट से ये अभी परमिशन मिली है कि तुम लोग पार्सल दे सकते हो। तो हाँ, पार्सल में प्रॉब्लम क्या है मैडम कि एक जो अभी रेस्टोरेंट वाले पार्सल कुछ तो दे सकते हैं, बट बार वाले या वेज नॉन वेज वाले पार्सल देने के लिए उनको पूरा किचन सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेगुलर किचन है वैसे चालू किए बगैर वो लोग एक दो आइटम नहीं बेच सकते। राइट, हाँ, राइट। और दूसरी बात, 7 o'clock इन द इवनिंग शार्प लॉकडाउन है वापस, अभी लॉकडाउन तो वापस खाना खाते टाइम अगर लॉकडाउन करना है तो फिर वो पार्सल किसको देने का, मतलब क्या उसका? जी सर, जी सर, वो प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम कैसा, ऑनलाइन चालू है ये स्विगी वाले है या जोमेटो वाले है, तो उनको कैसा है, उनको 25% उनको जाता है, तो उनके लिए भी अगर चालू कर रखेंगे हम लोग तो हम उनके लिए भी ये टाइमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जिसकी वजह से वी कांट अफोर्ड दो अगर और एक नया हम लोग हटा नहीं खोल सकते। जी जी, सही बात है। लेकिन सर, जैसे कि कहा आपने कि डिलीवरी ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली जाके अपना होटल शुरू कर सकते हैं, तो अभी जैसे कि आपका पूरा होटल बंद है, लेकिन उसमें आता है लॉजिंग, लॉजिंग जो आपने कहा है वो लॉजिंग भी बंद है, कोई भी टूरिस्ट हो या कोई भी यहाँ पे स्ट्रैंडेड अगर कोई पर्सन हो तो उसको भी आप अपना होटल प्रोवाइड नहीं कर सकते? अभी जब तक ये ट्रेन बस नहीं खुलेगी तब तक कौन आएगा बाहर से रूम में रहने के लिए? हाँ जी, जो है अभी लोकल लोग तो लॉजिंग नहीं प्रिफर करते जी, और जब तक ये टोटल सिस्टम नहीं खुलेगा तब तक लॉजिंग इंडस्ट्री तो खत्म ही है, क्योंकि बाहर से आने वाले के लिए रूम्स लगते हैं, सिटी सांगली या कोई भी अपने लोकल लोगों को रूम्स की जरूरत ही नहीं है। जी जी, ओके। और आपका फिलहाल होटल में सर कितने स्टाफ हैं टोटल? मेरे अभी दो होटल में कम से कम 50-60 लोग हैं। जी, और अभी तक उनमें से यहाँ पर कितने हैं और बाहर कितने गए? अभी एक 10 लोग अभी होटल में है ऑलरेडी जी, और ऊपर से जो बाकी के 10-15 लोग हैं वो अपने अपने फैमिली के साथ इधर उधर लोकल बैठे हैं, घर पे हैं अपने अपने। ओके, जो जो एक दो दिन पहले गांव गए हैं वो तो गांव में फंस गए हैं जी, अभी मतलब काफी मुश्किल है उनका जल्दी वापस आना। जब तक अभी ट्रेन बस होटल में रूटीन चालू नहीं हो जाएगा तब तक वो लोग तो नहीं आ सकते। जी सर, ये जो होटल एसोसिएशन है आपका, वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं? हाँ, यही गाइडलाइंस है, जिसको अगर पार्सल चालू करना है तो वो लोग चालू कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लेकिन वो सब करके तुम वो जो मेंटेनेंस पे अभी वर्कआउट नहीं हो रहा है, जोमेटो से वर्कआउट नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके। एंड अगर बात की जाए सर प्रॉफिट एंड लॉस की, आपने जैसे कि कहा कि साल में ये दूसरी बार आपके आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी होटल फेस कर रही है इतना बड़ा ड्यूरेशन है जिसमें बंद है आपका होटल, तो
तो अभी आने वाले समय में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए। उसमें आप अपनी होटल को रिकवर कैसे करेंगे? हम लोग अभी वही कुछ फ्यूचर प्लान्स आपने डिसाइड किए रहेंगे, यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो, सब अपने अपने लाइफ स्टाइल अपने अपने बैक टू रूटीन आ जाए, ये कोविड 19 के लिए कुछ तो जल्दी से जल्दी दवा आ जाए, क्योंकि हम लोग का इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है और ये जो कोरोना वायरस है ये टोटल सर्विस पे आ गए हैं। इसको जो सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे के सामने अगर तुम आप नहीं आए तो हम लोग किसको सर्विस देंगे? और हर एक को ये डोर टू डोर डिलीवरी देने जैसे हम लोग का आइटम नहीं है ना कि हम लोग जाके कितने लोगों को हम लोग, ये जो होटल इंडस्ट्री है ये सर्विस इंडस्ट्री, ये जहाँ से जो लोग बाहर आते हैं इनकी फैसिलिटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होटल चलते हैं, जो बाहर से आते हैं जिनका आना जाना रहता है, ऑफिस में रहते हैं जिनको खाना पीना या शाम का नाश्ता, ये तो जो सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं जो बाहर से ट्रैवलर्स हैं इनके लिए होटल इंडस्ट्री ज़्यादा चलती है, ना कि घर पे बैठे बैठे लोगों को खाने की ज़रूरत है, इनके लिए होटल की ज़रूरत है। जी जी, तो अगर ये सब बंद हो गया तो होटल किसके लिए सर्विस देगा, ये भी है ना प्रॉब्लम। जी सर, लेकिन अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं, अगर बात की जाए तो हमारे सांगली में भी कई सारे लोग हैं जो होटल्स का खाना बहुत पसंद करते हैं, और अगर बाय चांस हमारे सांगली में सब ठीक हो जाता है और 100% लॉकडाउन जाता है तो शायद से आपकी जो होटल है उसकी डिमांड फिर से बढ़ जाए। हाँ, हो जाएगा, ऐसा हो गया तो सबके लिए अच्छा। जी है। जी सर, लोग के लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए भी अच्छा। जी सर, तो सर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी पब्लिक तरफ से? तो अभी तो हम लोग यही मैसेज करेंगे कि स्टे एट होम, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्योंकि ये बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, इसके लिए सब लोग तकलीफ में है, हम लोग भी है, आप लोग भी है, सब लोग है, हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये सब ठीक हो, सब लोग अपने अपने आ जाए, क्योंकि जब तक ये सब सिस्टम रूटीन नहीं होगा तो हर एक को अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रॉब्लम से। जी, सांगली मीडिया कम्युनिकेशन एक अच्छा काम कर रहा है और हमारी तकलीफ ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, वैसे ही हमारी जो अभी सबसे बुरी हालत चल रही है इंडस्ट्री, इसको जल्द से जल्द सरकार मदद करे और इससे हमको बाहर निकाले ताकि हम अपने फ्यूचर में अपने कस्टमर्स को हमारे तरफ से अच्छा सर्विस देने की कोशिश। जी सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपकी जो प्रॉब्लम्स है फिलहाल आप जो फेस कर रहे हैं आपके इस बिज़नेस में वो आपने हम तक पहुंचाई, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं ये जो इंटरव्यू देखेंगे वो भी इस प्रॉब्लम्स को समझ के और गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे। जी हाँ, सो हमारे साथ थे अभी मिस्टर प्रशांत शेट्टी जो है होटल रुचिरा डिलक्स इसके ओनर, जिन्होंने कई सारी अपनी फ़िलहाल प्रॉब्लम्स बताई हैं और उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने आज के दिन में लॉकडाउन ये जो सिचुएशन है, ये जो होटल बंद सिचुएशन है, ये तीन बार फेस कर चुके हैं और साल में दूसरी बार ये हो चुका है उनके साथ, तो आप इमेजिन करते होंगे कि कितना लॉस हो चुका है उन्हें और उनकी जो तकलीफ़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इन तकलीफ़ों को समझें और जल्द से जल्द गवर्नमेंट इनके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशंस लाए। जी हाँ, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ विद कोरोना अफेक्ट। थैंक यू।